जो चीज हमने अभी नहीं की है वो है कि हाउ टू डिफाइन अ हेलो भाई, स्किल। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, रिकॉर्डिंग काइंडली ऑन कर लीजिए आप। कर दी कर ठीक है, थैंक यू सर। दी। अच्छा, जो हमने मिस कर दिया है वो क्या है कि सिस्टम की जो है स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करना है। स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। एक तो हमने ये पता लग गया है कि हमारे जो है ना स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो है ना उसको हमें डिफाइन करना है कि किस तरह। एक तो हमें पता लग गया अगर हमारे पोल जो है पोल की रिप्लेसमेंट से तो पता लग गया, पोल को अगर हम लेफ्ट हाफ प्लेन पे अगर प्लेस कर दें, राइट हाफ प्लेन पे, सॉरी राइट हाफ प्लेन पे प्लेन पोल आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम हमारे पास तो एक है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो तो उससे कैसे पता लगेगा। या हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हो उसके अंदर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो और दोनों पॉलिनोमियल्स हो, दोनों पॉलिनोमियल्स हो डिफरेंट काइंड के, ठीक है, नीचे नंबर ऑफ पोल्स जो है वो थर्ड या फोर्थ अपने ऑर्डर की जो इक्वेशन हो, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा। और ये वाला क्वेश्चन काफी दफा आता है, तो इसके कुछ शॉर्टकट भी हैं और कुछ मेथड हैं। फॉर एग्जांपल रोज क्राइटेरिया जो है उससे हम निकालेंगे। तो ये वाली चीजें हमारी अभी मिस हैं, अभी हमें करनी है और उसके बगैर कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट नहीं है। फिर जब हम ये भी पढ़ लेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी ट्रांसफर फंक्शन का हमने पढ़ लिया, उसमें पोल और जीरोस थे, हमें ये पढ़ लिया कि ये सिस्टम जो है स्टेबिलिटीज कैसे चेक हो सकती है, ये पता लग जाएगा सिस्टम जो है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, अनस्टेबल है या स्टेबल, एटलीस्ट स्टेबिलिटी का तो पता होना चाहिए। फिर हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसके बगैर भी जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है सिस्टम कैसे करेक्टराइज करती है, और इसके बगैर जो है हम आगे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी हमने पढ़ना, दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारी ये रहती हैं। उसके बाद कुछ हमें कंट्रोलर पढ़ने पड़ेंगे। जब हम स्टेबिलिटी पढ़ रहे होंगे ना तो अनस्टेबल सिस्टम को फिर हमें स्टेबल बनाना है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए वो क्या मेथड है, ठीक है। उसमें हमने देखना है कि व्हाट इज पोल जीरो कैंसिलेशन। पोल जीरो कैंसिलेशन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है वो क्या कहते हैं पावर वाले भी हैं, तो हमने यहाँ कौन सा हमने पेपर देना है, सिर्फ हमने एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करनी है। तो पोल जीरो कैंसिलेशन अगर हम पोल की जगह एक जीरो प्लेस करते हैं तो पोल जीरो कैंसिलेशन ये भी देखेंगे, लेकिन इसका क्या नुकसान होता है हमने जब ये पढ़ने लगेंगे तो फिर हम वहां पर पहुंच जाएंगे रूट लोकस के ऊपर, कि रूट लोकस जो है वो ज्यादा फिजिबल क्यों है रूट लोकस, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर चले जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, लोग बोर होने लग जाएंगे, हम इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि रूट लोकस मेथड हम क्यों लेके आए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अपना चौथा स्टेप, ठीक है। पांच यानी अब हम पांचवें स्टेप की तरफ जाएं तो वो क्या होगा, वो ये होगा अब सिस्टम के हमें स्टेबिलिटी का भी पता लग गया, अनस्टेबल सिस्टम का पता लग गया, और सिस्टम को स्टेबल कैसे करना है ये मेथड भी हमें पता लग गया, जो मेजर है वो रूट लोकस है या पोल जीरो कैंसिलेशन है। अब थोड़े से हम कंट्रोलर पढ़ेंगे, ठीक है। हमने कुछ डिफ्रेंशिएट करना है कि व्हाट इज कंट्रोलर, ठीक है, व्हाट इज कंट्रोलर, व्हाट इज कंपनसेटर, ठीक है, व्हाट इज रेगुलेटर। थोड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं जो जिसको हम पढ़ेंगे, रेगुलेटर, कंपैरेटर और कंट्रोलर, कंपनसेटर, इनमें क्या फर्क है, ये बहुत करीब करीब है, बहुत क्लोज क्लोज है, तो थोड़ा सा हमें देखना है। इसके साथ एक जो हम कंट्रोलर मेन पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा पी आई डी कंट्रोलर। पी आई डी के अंदर पी आई भी होगा, पी डी भी होगा और साथ में पी आई डी भी होगा, तीनों को सम कर लेंगे। तो इसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डिग्री, सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन है कल उसका हम रिस्पांस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है ना मेरा आज का प्लान था लेकिन आज हम नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें आप याद रखिएगा, ये हम करेंगे। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे एंड फ्राइडे अपना थर्सडे, ठीक है। तो उसके अंदर पहले तो हम जल्दी एज सुन एज पॉसिबल करेंगे कंट्रोल सिस्टम का, क्योंकि इसके एमसीक्यूज आने हैं 5 to 7, 5 to 7 इसके आने हैं। फिर जो मेजर जो पार्ट है वो किसका है यहाँ पर, वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइसेस ECD, ये एक सब्जेक्ट है। तो इसके एमसीक्यूज की जो रेशियो है वो भी होती है 5 to 7,
7 या 5 to 8 भी हो जाती है, उसमें BJT या PT CMOS वगैरह, तो ये दूसरा सब्जेक्ट मैं ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जल्दी बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ, जहाँ से कल हमने छोड़ा था, और कुछ MCQs जो हमने कल छोड़ दिए थे उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने फौरन ही लेक्चर के बाद आपको दे दी थी। जब वो ये पूछने वाला है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम टू गेन चेंज एंड लो डिस्टर्बेंस डिपेंड, ठीक है। उसने कुछ दी नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं, डज द सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है क्लोज लूप सिस्टम की, उसको क्या करते हैं, फर्क उसको डालते हैं। नंबर वन इज फ्रीक्वेंसी, नंबर टू इज लूप गेन, नंबर थ्री इज फॉरवर्ड गेन, एंड नंबर फोर इज ऑल ऑफ अबव। तो फ्रीक्वेंसी जो है जहरी बात है उसका जो है बैंडविड्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वो बैंडविड्थ ही है, तो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करती है। फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता होगा तभी हम देख सकते हैं, और कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसके ऊपर सिस्टम का रिस्पांस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो कहलाती है नॉमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, और वो होंगे जीरोस ऑफ द सिस्टम। तो इस फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ेगा सिस्टम को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सिस्टम को फर्क पड़ेगा। लूप गेन, अगर आप जो लूप गेन है, क्लोज लूप सिस्टम है, तो आपको पता है क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, एक फीडबैक उसका पाथ होता है, ठीक है। ये कंट्रोलर लगा हुआ है, कंट्रोलर के आगे हम कह रहे थे चलो प्रोसेस, और ये आउटपुट है, आउटपुट में फीडबैक जो है हमारे पास पाथ है, और फीडबैक पाथ का अगर एक मैं यहाँ पर गेन इंट्रोड्यूस करा दूँगा गेन, तो वो क्या करेगा, वो उसको एम्पलीफाई कर देगा, और ये जहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे पास समर में पहुँच जाएंगे, तो लूप गेन भी करता है। देन दिस इज फॉरवर्ड गेन, फॉरवर्ड भी करता है और बैकवर्ड भी करता है, ठीक है। दो तरह के गेन होते हैं ना, एक फॉरवर्ड गेन और एक ये जो है ये क्लोज लूप फीडबैक है, ये फीडबैक पाथ में जो गेन होगा वो कहलाएगा फीडबैक गेन, और जो फॉरवर्ड गेन होगा वो फीड फॉरवर्ड में कहलाएगा, ठीक है। फीड फॉरवर्ड जो डायरेक्टली आगे इंगेज हो रहा हो आउटपुट की तरफ जा रहा है, तो ये यानी सिंपल टर्मिनोलॉजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। अ ट्रांजिएंट रिस्पांस विद फीडबैक सिस्टम, अ ट्रांजिएंट रिस्पांस है उसका, फीडबैक सिस्टम हमने क्यों बनाया है, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस जो उसका जो है जिस स्टेडी स्टेट से पहले आ रहा है वो जो रिस्पांस है वो क्या हो जाएगा, उसका क्या होना चाहिए विद फीडबैक सिस्टम, उसे इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, तो इट शुड बी डिकेज क्विकली, इट शुड बी डिकेज क्विकली, ठीक है। तो यानी हम चाहेंगे कि हमारा ट्रांजिट जो रिस्पांस है वो कम से कम हो, ट्रांजिट रिस्पांस जो है वो कम से कम हो, और हम क्या करते रहें, एरर को डिटेक्ट करते रहें, एरर को देखते रहें, हमें कैलिब्रेशन ना करनी पड़े, सिस्टम बार बार आगे जाके चेक ना करना पड़े, इससे बचने के लिए हमने क्या लगाया था, एक फीडबैक पाथ। द सेकेंड डेरीवेटिव इनपुट सिग्नल मॉडिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये सेकंड डेरिवेटिव क्या कह रहा है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम, द गेन ऑफ द सिस्टम, द टाइम कांस्टेंट एंड सप्रेस द ऑसिलेशन। ये जो हमें पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा PD कंट्रोलर जब हम पढ़ लेंगे उससे हमें ज़्यादा अच्छा पता लगेगा, लेकिन आप अगर देखें कि आप में से कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा इंटीग्रेटर होगा वो किस एरर को कम करता है, वो स्टेडी स्टेट एरर को, ये जो एरर आ रहा था इसकी इंटीग्रेशन ले लेता है, ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर को एक इंटेग्रल जो है वो कम करता है। तो ट्रांजिएंट एरर होगा वो कौन से कम करेगा, उसे कम करता है डेरिवेटिव, ठीक है। द सेकंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल मॉडिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम, यानी टाइम उसका जो राइज टाइम है फॉल टाइम उसको करेगा, डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम, डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम नहीं है, डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम को कौन करने वाला है, दिस इज इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर जो है उसका स्टेडी स्टेट एरर खत्म करता है, तो वो डैम्पिंग हो। द गेन ऑफ द सिस्टम, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि PD और ये सिंपल जो डेरिवेटिव है वो गेन पे नहीं करता, जो ये है हमारा P जो है, ये जो प्रोडक्ट है, ये PI है, यानी जो P मल्टीप्लाई हो रहा है ये गेन को छेड़ता है, पर D जो है डिफरेंशिएटर वो गेन को नहीं छेड़ता, तो ऑप्शन सी भी नहीं बनता। इसका क्या बनेगा, ऑप्शन डी, द टाइम कांस्टेंट, द
प्रेस द ऑसिलेशन, ये वाली बात हमारी यहाँ पर ऊपर से गलत हो जाएगी. हाउ द सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करता है, अभी जो मैं बात एक्सप्लेन कर रहा था वो यहाँ बात रॉन्ग हो जाएगी. फर्स्ट डेरिवेटिव ट्रांसिट को खत्म करेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या करेगा? Why this suppress the oscillation? Oscillation का तो steady अपना integrator control कर रहा था. अगर हम एक integrator का derivative लें, हाँ कोई contribute करे please, kindly contribute in this MCQs please. अगर हम एक इंटीग्रेटर का एक डेरिवेटिव ले लें, इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे. अगर हम एक इंटीग्रेटर का डबल डेरिवेटिव ले लें तो एक्चुअली वो क्या बन जाएगा, वो सिंगल डेरिवेटिव बन जाएगा. एक इंटीग्रेटर का अगर हम डबल डेरिवेटिव ले लें तो वो सिंगल डेरिवेटिव बन जाएगा. क्या ऑसिलेशन जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव से काम हो सकती है? ये एक डेरिवेटिव इस यानी एक इंटीग्रेटर इस पेयर से कट जाएगा, इस सिस्टम का सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं. प्लीज कंट्रीब्यूट इन दिस. ओके, किसी ने चैटिंग में लिखा है, अकील अकील अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं समझ. सर मुझे इसकी समझ नहीं है, ये कैसे कह रहे हैं आप? हाँ यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे आपको बता रहा था, आइडिया दे रहा था. चलो किसी एक्चुअल आइडिया, ये बेसिकली ना मुझे जहाँ तक लगता है ये जो थे ना टाइम कांस्टेंट के फॉर्मूला थे कुछ सेकंड डेरिवेटिव के ना, जिससे आप सिस्टम का रिस्पॉन्स बताते थे ओवर डैम्ड है अंडर डैम्ड, उसमें तीन चार फार्मूलाए भी हैं. ठीक है, मेरा ख्याल उनमें से किसी के ऊपर ये बेस कर रहा है ना सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव कर रहा होगा टाइम कांस्टेंट पे, तो ये होता ही होता है ना सेकंड डेरिवेटिव में टाइम कांस्टेंट पे, तो होता ही होता है ये. ये तो ट्रांजिएंट रिस्पांस पे डेरिवेटिव तो करता है, डिफरेंशिएटर तो करता है, टाइम कांस्टेंट आ जाता है उसमें, स्टेडी स्टेट एरर में जितने भी टाइम्स आ जाते हैं वो तो होते ही होते हैं. ऑसिलेशन को देखना पड़ेगा, लेकिन हम ये भी तो देख सकते हैं जब सिस्टम ट्रांजिएंट्स में होता है तब भी तो ऑसिलेट कर ही रहा होता है, ओवरशूट तो आ रहा होता है अभी. नहीं, राइज टाइम में अपना नहीं करता, राइज टाइम में ऑसिलेशन नहीं होती. ऑसिलेशन जो ट्रांजिएंट स्टेट है सर, उस स्टेट को कहते हैं जब तक वो स्टेडी स्टेट अचीव नहीं कर लेता, उससे पहले की स्टेट सारी की सारी स्टेट हमारे पास ट्रांजिएंट है. हां, वो पीक टाइम के बाद जो आती है वो जो हमारी है वो क्या कहलाती है, वो हमारी स्टेडी स्टेट है. नहीं, पीक पीक के बाद आपकी स्टेडी स्टेट नहीं आती सर, स्टेडी स्टेट आपकी आती है जब आपका मार्जिन जो है ना वो 2% मतलब ऑलमोस्ट आपका सिस्टम जो है ना जी वो 2 या 5% जी 2.5% इस तरह से है. लेकिन ट्रांजिएंट में भी सिस्टम जो है ना वो थोड़ा बहुत ऑसिलेट कर रहा होता है. ठीक है, देखिए ना जिस तरह फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के बाद उसका परसेंटेज ओवरशूट बढ़ जाता है फिर कम करने की कोशिश करता है, तो मेरा ख्याल ये वो वाली चीज है सप्रेशन ऑफ ऑसिलेशन. एक चीज तो हम सिंपल ये देख रहे थे, स्लोप को ये डेरिवेटिव जो है वो कंट्रोल करता है. ठीक है, डेरिवेटिव, लेकिन ऑसिलेशन वाला जो कांसेप्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये बात यहाँ पर हमारे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हम इसको लीव कर देते हैं और 33 को हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें पीडी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, पीडी हमने पढ़ा नहीं है, तो पीआईडी जब तक नहीं होगा ये हम स्कूल नहीं होंगे, हम इसको ऐसे ही मगस. ओके, थैंक यू वेरी मच. 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी क्लोज लूप सिस्टम, ऑल द कोफिशिएंट कैन हैव जीरो वैल्यू, ऑल द कोफिशिएंट आर ऑलवेज नॉन जीरो, ओनली वन ऑफ द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट हैज अ फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू. And delta is none of the above. एक closed loop system है, उसके उसने पूछा है कि जो है which of the following statement is correct? Answer is correct.
पहला वो कहता है कि ऑल ऑफ द कोफिशिएंट कैन हैव जीरो वैल्यू। कोफिशिएंट क्या है पहले, सबसे पहले यहाँ पर देखें कोफिशिएंट ऑल और जीरोस के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। क्या ये बिल्कुल दुरुस्त बात की है मैंने? ठीक है इस टू इज कोफिशिएंट, जी जी वही होते हैं। ठीक है, थैंक यू। ऑल द कोफिशिएंट कैन हैव जीरो वैल्यू, अगर ये कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। ऑल द कोफिशिएंट आर ऑलवेज नॉन जीरो, दिस इज आल्सो रॉन्ग, बिकॉज कि ऐसा हो सकता है कि पहले उसका एस फोर हो, एस फोर के बाद में भी डायरेक्टली एस थ्री वहां पर हो ही ना, और टू एस टू हो, ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग, रॉन्ग, ठीक है। अगर हम तीसरे के ऊपर आए, ओनली वन ऑफ द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट हैज अ फ्लैट नॉन जीरो वैल्यू, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बनती है कि वन ऑफ द स्टैटिक एरर, स्टैटिक एरर, अब ये हमें कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ये स्टैटिक एरर हम इसको कहाँ से डील करें, स्टैटिक एरर, स्टेडी स्टेट एरर और स्टैटिक एरर में कितना फर्क है? मेरे ख्याल से फर्क है, स्टेडी स्टेट इज डायनामिक एरर, स्टैटिक समथिंग डिफरेंट। कैन एनीवन कंट्रीब्यूट इन दिस? ओके, सिंपल है, यानी अगर हम स्टैटिक एरर वाली इस टर्मिनोलॉजी को निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा कि एटलीस्ट एक कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट उसका एक पोल तो हो, सिस्टम का पोल होगा तो सिस्टम एग्जिस्ट करेगा ना, ऐसा सिस्टम जिसका पोल ही ना हो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हाँ भाई, वो कह रहा है कि ओनली वन ऑफ दी, कि सिर्फ एक ही होगा, ओनली का मतलब सिर्फ एक ही, तो एक से ज्यादा भी पॉसिबल है कि एक से ज्यादा में भी हो? नहीं, एक से ज्यादा में नहीं हो सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि सिर्फ एक में ही होगा। ओनली वन ऑफ द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट हैज अ फ्लैट नॉन जीरो वैल्यू, उसके कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जो है ना एक नॉन जीरो होना चाहिए, स्टेटमेंट ये कह रहा है, ऑप्शन सी का मतलब ये है कि कोई एक एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो यही कंडीशन है, एक एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए। थैंक यू, मतलब एक तो नॉन जीरो होना, वरना ना पोल इसके एग्जिस्ट करेंगे तो पोल नहीं होगा तो सिस्टम कैसे ही डिफाइन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ सिस्टम विद गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी और अ फेज मार्जिन क्लोज टू जीरो? अब ये गेन मार्जिन और क्लोज मार्जिन जो है ये रूट लोकस के हैं और रूट लोकस हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको अभी क्या करते हैं हम, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ सिस्टम विद गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी और फेज मार्जिन क्लोज टू जीरो? द सिस्टम इज रिलेटिवली स्टेबल, द सिस्टम इज हाईली स्टेबल, द सिस्टम इज हाईली ऑसिलेटरी? द ऑप्शन सी, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, ये हमें एक दफा रिवाइज करने पड़ेंगे, और जब तक हम इसे रिवाइज नहीं, कोई एनीवन आप में से कोई बता सकता है? ठीक है, हम इसको लीव कर देते हैं, 35 कहीं पर हम अपने नोट में लिख लेते हैं, क्योंकि हमने रूट लोकस नहीं पढ़ा और रूट लोकस के साथ हम बॉडी प्लॉट भी देखेंगे, ताकि हमें उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ना वो थोड़ा सा बस 5-7 मिनट लगेंगे उसमें। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेसिव बाउंड वेव इन कंट्रोल सिस्टम शुड बी अवॉइडेड? अच्छा, ये याद रखिएगा, 35 हमने छोड़ दिया, कहीं कोई नोट कर ले, कृपया आप नोट कर लीजिएगा। Due to each of the following reason, excessive bond width in control system should be avoided. It leads to slow speed of response. It leads to low relative stability. Noise is proportional to bandwidth. This is not bond. This is bandwidth. ठीक है? Due to which of the following reason excessive bandwidth in control system should be avoided? कि हमें bandwidth control system में हमें ज़्यादा क्यों नहीं लेनी चाहिए, मतलब हमारी range जो है वो ज़्यादा क्यों ना हो,
और इसका आंसर है नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, और जितनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उस सिस्टम के अंदर नॉइजेस उतनी ज्यादा होंगी। पहली ऑप्शन क्या थी, इट लीड्स टू स्लो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन जीरो और इसका कोई रिलेशन नहीं है। इट लीड टू स्लो रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ पोल्स, ठीक है, और इसका इससे कोई गर्ज नहीं है बैंडविड्थ से। तो ऑप्शन सी इसलिए ठीक है, नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, जितनी बैंडविड्थ हमारी ज्यादा होगी यानी जितना हमारी रेंज ज्यादा होगी, जितना हम सिस्टम के अंदर इनपुट जो है इनपुट जो अप्लाई कर रहे होंगे वो उसकी रेंज ज्यादा होगी, ठीक है, तो उतना क्या होगा नॉइज ज्यादा होगी आउटपुट के ऊपर, नॉइज की रेंज ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये 36 ये इजी था। 37 इन अ स्टेबल कंट्रोल सिस्टम बैकलैश कैन कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एनीवन नो दिस इज बैकलैश, what is backlash, anyone? पहले यूनिट के अंदर आता है यार ये, इसके अंदर backlash related to some kind of gears. Anyone? कोई मोटर वाला, कोई अपना मशीन वाला कोई बंदा बता सकता है? अच्छा बैकलैश हम यहीं से देख लेते हैं डायरेक्ट, हमारे पास जब एक एक्सेस है इंटरनेट की, जस्ट वेट अ सेकंड। ये मुझे लगता है सर ये सैचुरेशन जो होती है ना उससे रिलेटेड होती है, कहीं मैंने पढ़ा है इसे मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम क्लियरेंस अमंग द एलिमेंट क्रिएट्स स्लोप व्हेन स्टेशनरी एंड डेड प्ले ड्यूरिंग reversal. Stiffness on the other hand is a property of a mechanism or a component and it's simply the resistance of deformation or deflection under a load. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो backlash इसने क्या बताया है, is a characteristic of mechanical drive, clearance among the element create slow when stationary and dead play during reversal. कि ये कोई element है? अल्लाह भाई ये Google कह रहा है कि मतलब जो moving part होती है वहाँ पे जो motion loss होती है उसे backlash कहते हैं, ये machine के जो moving part होते हैं लॉस्ट हो जाती है ना उसे बैकलैश कहते हैं। या मोशन लॉस हो जाती है या रेजिस्टेंस आती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से मोशन लॉस हो जाती है ना, मतलब उसकी स्पीड पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है ठीक है, इसको ये ऑपोजिट टू ग्रीस है समथिंग लाइक दैट। जी जी हाँ, मतलब जो वहां पर रेजिस्टेंस उन्हें फेस करनी पड़ रही है। ओके अब हम इसको समझते हैं, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी आ जाती है बाकी से हेल्प लेनी पड़ती है। इन अ सिस्टम, इन अ स्टेबल कंट्रोल सिस्टम बैकलैश कैन कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब आप वही डेफिनेशन जो बताया है कि मोशन लॉस इन मशीन ड्राइव वगैरह उसको देख के देखते हैं। तो लो लेवल ऑसिलेशन, दिस इज अंडर डैम्प, दिस इज ओवर डैम्प। ओवर डैम्प कब होगी और अंडर डैम्प कब होगी? ओवर डैम्प जब होगी जब उसके अंदर यानी स्प्रिंग या कोई कह सकते हैं फोर्स है तो उसके अंदर कोई रस्ट नहीं है, ऐसा स्प्रिंग है जिसके अंदर कोई रस्टिंग नहीं है, दिस इज ओवर डैम। ठीक है, ऐसा स्प्रिंग जिसके कंट्रोल का नॉट्स नहीं शो हो रहे, सॉरी। ओके अच्छा दिस वन, इन अ स्टेबल कंट्रोल सिस्टम बैकलैश कैन कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर वन इज अंडर डैम, नंबर टू इज ओवर डैम, number 3 is over stability at reduced values of open loop gain,
अच्छा फोर्थ है लो लेवल ऑसिलेशन अंडर डैम्पिंग का स्क्रीन शो हो रही है मेरे अलावा अभी भी नहीं हो रही अभी भी नहीं हो रही सही है सर हो रही है अभी तो प्लीज हमें जल्दी से सकते हो हो रही है अब हो रही है ठीक है ठीक है थैंक यू नंबर वन इज अंडर डैम्प अंडर डैम्प कब होगा एक सिस्टम एक सिस्टम है स्प्रिंग इसके अंदर लगा हुआ है और वो सिस्टम जो है एक मिनट वो अंडर डैम्प है इसको अंडर डैम्पिंग कब होगी जब उसके अंदर ऑसिलेशन है ठीक है उसके अंदर ऑसिलेशन है स्प्रिंग के अंदर स्टिफनेस जो है आप कह लें स्टिफनेस स्टिफनेस है स्टिफ के अंदर जो है ना स्टिफनेस अच्छी खासी है तो वो अंडर डैम्प है ओवर डैम्प क्या है कि अंदर उसके अंदर ऑसिलेशन हो रही है लेकिन फौरन रिड्यूस हो रही है जैसे स्टार्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है नंबर थ्री इज पुअर स्टेबिलिटी एट रिड्यूस वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन सिस्टम ओपन लूप गेन है और उसके अंदर क्या है कि बैकलैश है वो क्या कर रहा है एट रिड्यूस वैल्यूज ऑफ ओपन लूप गेन पुअर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी रिलेट ही नहीं करती ओपन लूप गेन के साथ और बैकलैश वहां पर आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कराते नंबर फोर ये आंसर उसने लगाया लो लेवल ऑसिलेशन के मतलब लो लेवल ऑसिलेशन आपने सिस्टम को थोड़ी सी दी है ऑसिलेशन दी है कि आपने सिस्टम को थोड़ा सा फोर्स किया है मूव करने के लिए तो वहां पर ऑसिलेशन हो गई है ठीक है होना क्या चाहिए था कि सिस्टम के जो पार्ट्स हैं या जो मूविंग पार्ट्स हैं वहां पर ऑसिलेशन नहीं होनी चाहिए ठीक है जिस मशीन ड्राइव जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं वहां पर हम ऑसिलेशन यहाँ तो हम वैसे ही स्प्रिंग है स्प्रिंग की ऑसिलेशन देख रहे हैं ना लेकिन जो सिस्टम है हमारी जो ड्राइव है वहां पर ऑसिलेशन नहीं होनी चाहिए लेकिन ये जो ब्लैक लैश है लो लेवल ऑसिलेशन प्रोड्यूस करती है अंडर डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग ना ठीक है तो इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट यूज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है ऑटोमेटिक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड जो है कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम अकी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में क्या फर्क होगा एरर तो हमने फीडबैक पाथ के तहत खुद दे दिया है एरर वो खुद चेक कर रहा है रेफरेंस इनपुट से आ रही है कंट्रोलर को वो दे रहा है तो ये ऑटोमेटिक वर्ड क्या कह रहा है एरर डिटेक्टर इसका आंसर देख के सर शायद हम कोई आईडिया लगा सके ऑप्शन इज एरर डिटेक्टर ठीक है नंबर 1 इज एरर डिटेक्टर इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूज्ड तो यहाँ पर एरर डिटेक्टर यूज होता है ऑटोमेटिक के अंदर एरर डिटेक्टर तो होगा इसको चेक कर रहा होगा नंबर 2 इज फाइनल कंट्रोल एलिमेंट फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है प्रोसेस हमारा जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट तो हमारी आउटपुट होगी ना मैनिपुलेटेड वेरिएबल होगा जो हां मैनिपुलेटेड कंपैरेटर वगैरह इसको कह सकते हैं वैसे नहीं कंपैरेटर नन एंड कंपैरेटर इज itself is a मतलब controller ठीक है ये after the process या process वाली वो जो final control है processor है हमारा ठीक है sensor sensor हमारे क्या होते हैं actually ज़्यादातर हमारे sensor में input होंगे ठीक है sensor भी वहाँ पर होंगे process भी वहाँ पर होगा यानी ये वाली shape यहाँ पर बोलिए मतलब ऐसे है ना कि oscillator का तो कितना बनता है वहाँ पे delta yes Why we need oscillator? Oscillator तो यहाँ पर इसके अंदर बनता ही नहीं है कंट्रोल सिस्टम के अंदर ऑसिलेटर तो इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा इस पूरे मैप के अंदर ये जो बनता है रेफरेंस इनपुट उसके बाद एरर एरर के बाद हमारा कंट्रोलर कंट्रोलर के बाद प्रोसेसर प्रोसेसर के बाद फीडबैक फीडबैक के अंदर गेन तो वहाँ ऑसिलेटर आता ही नहीं है जी तो ये सिर्फ एक जबरदस्ती एक एमसीक्यू बनाया हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन डेल्टा नहीं है कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर किसको दी जाती है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ठीक है दैट इज प्रोसेसर देखिए यहां आप कहते कंपैरेटर कह सकते हैं तो अगर आपको पता होता कंपैरेटर तो आप यहां कंपैरेटर टिक करते तो दिस इज फाइनल कंट्रोल एलिमेंट और वो क्या है हमारा प्रोसेसर ठीक है या आप ये देखें ना एम्पलीफायर एम्पलीफायर ये कहाँ पर है ये गेन है ये फीडबैक पाथ में भी यूज होते हैं कंपैरेटर इटसेल्फ इज अ कंट्रोलर सेंसर ये जो है इनपुट है तो आपको अगर हाउ नो हो जाए सारी ऑप्शन से तो
एटलीस्ट आप तुक्का लगाते हुए तो ठीक काम करेंगे. तो कंट्रोलर एसेंशियली इज अ कंपैरेटर. जो कंट्रोलर है उसे कंपैरेटर होना चाहिए, ठीक है, नॉट क्लिपर. क्लिपर क्या है? क्लिपर इटसेल्फ अ रेक्टिफायर, ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन में यानी आप इसे क्लिप कर रहे हैं, वेव फॉर्म को क्लिप कर रहे हैं, ये समझ लें. सेंसर हमारे इनपुट होते हैं, एम्पलीफायर हमारी गेन है. एक ही ऑप्शन बनती है वहाँ पर, ऑप्शन क्या है? सी. अच्छा, ये हमसे कुछ 5-6 दफा आया है एनटीएस के अंदर. फिर तो मैं फॉलोइंग इज द इनपुट टू द कंट्रोलर. इनपुट टू द कंट्रोलर क्या हो सकता है हमारा? कंट्रोलर को हमने जो इनपुट देनी है वो रेफरेंस इनपुट नहीं देंगे हम उसे, ठीक है, रेफरेंस इनपुट नहीं देंगे हम उसे, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ, तो उसे हम क्या देंगे? फीडबैक के बाद. अब ये कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर कहाँ पर होगा? ओपन लूप के अंदर कंट्रोलर आ सकता है? हमने पढ़ा था ओपन लूप के अंदर ना कंट्रोलर नहीं होगा वहां पर. होगा कंट्रोलर? कंट्रोलर तो होना चाहिए ना उसमें. हाँ जी अकील, ओपन लूप के अंदर कंट्रोलर होगा? सर कंट्रोलर होगा, उसे हम फीडबैक नहीं दे रहे होंगे, ठीक है, मतलब सेंसर्स नहीं होगा उसमें ना. फीडबैक बात में अगर हम बात करें ना कि सॉर्ट ऑफ सेंसर वो नहीं होगा, लेकिन कंट्रोलर उसमें होगा. यानी आप कह रहे हैं हम उसके पोल जीरो को छेड़ सकते हैं ओपन लूप? सर हमारा जो है ना बेसिकली कंट्रोलर जो होता है ना प्रोसेसर से पहले लगा होता है, मतलब हमारा एरर सिग्नल जो होता है ना वो डायरेक्टली कंट्रोलर को जाता है, ठीक है, तो कंट्रोलर होगा, उसके बाद प्रोसेसर आता है जो कोई भी टास्क परफॉर्म करता है. एक सिंपल एग्जांपल, गैस हीटर या जो हमारा जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो कंट्रोलर यहाँ पर कौन सा है? वो स्विच जिससे हम उसे बंद कर रहे हैं जी, ठीक है, या आग को हम तेज कर रहे हैं वो कंट्रोलर है, लेकिन कंट्रोलर को हम कंट्रोल खुद कर रहे हैं तो वहाँ एरर नहीं आएगा, ठीक है जी. जैसे ये हम टोस्टर की दिस इज सर्वो सिग्नल डिजायरेबल वैल्यू, ठीक है, डिजायरेबल वेरिएबल वैल्यू. अच्छा ये अगर ओपन लूप सिस्टम में होता तो ये आंसर यहाँ पर ठीक बन जाता, लेकिन अगर हम इसको देख रहे हैं एज अ कंट्रोल अपना क्लोज लूप तो एरर सिग्नल जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एरर सिग्नल जो है वो ज्यादा फिजिबल है बाय डीलिंग विद अ क्लोज लूप. अगर ओपन लूप करेंगे तो फिर यहाँ पर 10 मिनट, तो अगर ओपन लूप करेंगे तो फिर क्या होगा, मतलब यहाँ डिजायरेबल वैल्यू भी बन सकता है आंसर इसका, ठीक है. इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ऑप्शन एरर सिग्नल, ऑप्शन सी, ठीक है, इसका ऑप्शन ठीक है. अच्छा सर्वो सिग्नल भी तो हम वैसे इनपुट दे सकते हैं ना कंट्रोलर को, मींस के सर्वो मैकेनिज्म के लिए. मैं जस्ट वैसे कह दूं वैसे वो सर्वो सिग्नल के थ्रू ही आगे फीड हो रही होती है ना कंट्रोलर के बाद ही मोटर. यस यस, लेकिन वो जो है ना एरर सिग्नल क्योंकि फीडबैक हम बात कंसीडर कर रहे हैं, वरना सर्वो सिग्नल भी बनता है, ठीक है, वेरिएबल डिजायर वेरिएबल वैल्यू भी बनता है और ये सेंस सिग्नल भी बनता है इनपुट के रेफरेंस इनपुट कोई भी दे दें आप ओपन लूप सिस्टम को. लेकिन ये एक वैल्यू ऐसी थी जो सिर्फ क्लोज लूप पे जाएगी और वो है एरर सिग्नल, ठीक है, थैंक यू. अच्छा द ऑन ऑफ कंट्रोलर सरतला ये अभी किसी ने सर्वो सिग्नल का बोला है ना कि हम वो भी दे सकते हैं, वो नहीं हम दे सकते. सर्वो सिग्नल बेसिकली हमारा जो होता है ना वो जो डिजायर्ड सिग्नल होता है वो नहीं होता, ठीक है, इसे हम हमेशा इनपुट साइड पे लगाते हैं, ये सॉर्ट ऑफ इसे सेंसर ही कह सकते हैं ना जो आपकी रेफरेंस इनपुट. अगर हो अगर रखी ओपन लूप सिस्टम हो वहां सिर्फ हमने इनपुट ही देनी है तो फिर हां जी तब हम लोग जी तब हो सकता है. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई दफा आया है कि ऑन ऑफ कंट्रोलर इज अ डैश कंट्रोलर. यहाँ पर जो है ये नॉन लीनियर तो है ही है, ठीक है, लेकिन बहुत सी बुक ने इसको नॉन लीनियर और कुछ इसको कहते हैं डिसकंटीन्यूअस. तो ऑन ऑफ कंट्रोलर जो यानी एनटीएस क्लिक कर रहा है वो एज सच जो स्टूडेंट कह रहे हैं वो डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोलर. ऑन ऑफ होना चाहिए, दो ही कंडीशन है ऑन या ऑफ, तो वन जीरो हो तो डिजिटल बनता है. आप कहते हैं डिजिटल, मैं भी इसको डिजिटल ही डील कर रहा था क्योंकि डिजिटल जो है वो डिसकंटीन्यूअस भी है नॉन लीनियर भी है, लेकिन ग्रुप के अंदर जो है बहुत सारा लोग इसको डिसकंटीन्यूअस कह रहे हैं, ठीक है, कि उस पोजीशन के ऊपर या ऑन होता है या ऑफ होता है डिसकंटीन्यूअस इसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन फिल वक्त ये डिस्प्यूटेड है. इसको मैं जो पहले लगा रहा था वो डिजिटल ही लगा रहा था, लेकिन मे भी ये डिजिटल ना हो,
क्योंकि आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारी साइट इसको नॉन लीनियर कह रही है और बहुत सारी इसको डिसकंटीन्यूअस कह रही है। ऑलमोस्ट ये दोनों ही है, लेकिन इन दोनों को मर्ज करें तो डिजिटल में ये दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है सर, जरा ये डिजिटल और डिसकंटीन्यूअस को जरा एक्सप्लेन कर दें। डिसकंटीन्यूअस एंड डिजिटल को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, नॉन लीनियर जो है वो तो आपको पता ही होगा। अच्छा डिजिटल क्या चीज है, डिजिटल की डेफिनेशन ये बताते हैं डिजिटल की कि वो जो टाइम के साथ भी डिस्क्रीट हो, ठीक है, और अपने एम्पलीट्यूड के साथ भी डिस्क्रीट हो। ओके ठीक है, उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज हो। अगर वो सिर्फ अपनी क्या कह रहे हैं, अपने टाइम एक्सिस के ऊपर स्पेसिफाई है, मतलब जैसे कि अगर आप कह लें या आपने स्टेम वाली कमांड से देखा होगा आपके मैटलैब के अंदर, तो आपके पास जो मतलब ये सिग्नल डिस्क्रीट है, ये सिग्नल डिस्क्रीट है जो अपनी टाइम एक्सिस के ऊपर है। हाँ जी, और जो सिग्नल जो कम्प्लीटली क्या है टाइम एक्सिस के ऊपर भी है, स्पेसिफिक वैल्यू है उसकी, और क्या कह सकते हैं उसको, वो एम्पलीट्यूड के लिहाज से भी है। लेट्स सपोज दिस वन, ये सिग्नल जो है ये क्या है आपका, ये डिस्क्रीट है, ओ ये डिजिटल है, दिस इज डिस्क्रीट। और ये एमसीक्यू भी एनटीएस ने कई दफा पूछा हुआ, इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ था। अच्छा अब इशू ये है कि ये जो ऑन ऑफ है तो जीरो है या वन है, ये या वन है, मतलब अगर इसकी देखें तो ये स्क्वायर वेव बनेगा इस तरह, ठीक है, या ये तो जीरो है या ये वन है। अब ये नॉन लीनियर तो है, ठीक है, और अपने एजेस के ऊपर यहाँ के ऊपर ये कहते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है, तो इट्स मीन कि ये यहाँ पर क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, एजेस के ऊपर ये अपना डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एट इटसेल्फ दिस सिग्नल इज डिजिटल, लेकिन इस सिस्टम को बुक्स जो है वो डिजिटल नहीं कह रही, वो या तो नॉन लीनियर कह रही है या डिसकंटीन्यूअस कह रही, आप भी सर्च कर लीजिएगा। एक्चुअली दिस एमसीक्यू इज डिस्प्यूटेड, हर वेबसाइट ने अपना बताया हुआ है, लेकिन मैंने सर्च करने की कोशिश की कि किसी ने डिजिटल नहीं बताया था, मुझे डिजिटल नहीं मिला, लेकिन ऑलरेडी मैं इसको डिजिटल कंसीडर कर रहा था। 42 इज डिस्प्यूटेड एमसीक्यूज, करंटली इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऑन ऑफ कंसीडर करके ना फौरन ही डिजिटल आंसर लगा देते हैं, और इसलिए एनटीएस एमसीक्यूज बार बार देता है, इसकी आदत होती है एमसीक्यूज में रिपीट करें। कैपेसिटेंस इन फोर्स करंट एनालॉगी इज एनालॉगस टू, और ये एमसीक्यूज भी अच्छी खासी दफा आया, दिस इज मैस, और इसको याद करने का क्या है, इसको हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, और कुछ लोगों ने इसके मेथड्स बनाए हुए हैं कि आपको जो है ना, एक हमारा फोर्स करंट एनालॉगी, फोर्स इज इक्वल टू करंट, दिस इज फोर्स इज इक्वल टू करंट, तो वो यहाँ पर पूछ रहा है द कैपेसिटेंस, अगर आप करंट के अंदर देखें यहाँ पर वोल्टेज होगा, इंडक्टर होगा और कैपेसिटेंस होगा, तो वो पूछना चाह रहा है कि वो किसके बराबर है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो इज इक्वल टू मैस है। ये एनालॉजी ही याद करने के मेथड जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी जो लेक्चर खत्म होगा ना इसको थोड़ा, ये मेमोरी बेस है या फिर ये तो पूरा इनिशियली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए डराइव करना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए और आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, फिर इनको कंपेरिजन करके, तो ये अच्छा खासा लंबा है, लेकिन कुछ यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पर शॉर्टकट है, हम उन शॉर्टकट से डील करेंगे। ठीक है, तो ये सच इससे हम सीखी बातें हैं, इनको हमें इग्नोर नहीं करना। तो ये हमारा हो गया डेल्टा, हमें 50 करने हैं एज सून एज पॉसिबल। द टेम्परेचर अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगी इज कंसीडर एनालॉगस टू। अच्छा अब ये टेम्परेचर है अंडर द थर्मल एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम एनालॉगी इज कंसीडर एज टेम्परेचर इज कंसीडर एज करंट शुड बी करंट और वोल्टेज It is voltage. The temperature under thermal and electric system. Okay, इसमें जैसे force current analogy था, यहाँ पर ये temperature and voltage ये analogy है, मतलब thermal analogy में temperature को हम voltage लेते हैं, और ये भी पूरी एक analogy है, मतलब हर point यहाँ पर different है, तो
इसके पॉइंट भी आपके साथ कर दिए जाएंगे लेक्चर खत्म होने के बाद। इलेक्ट्रिकल अच्छा न्यूमेटिक सिस्टम काफी सारे सिस्टम है। ओके इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक से विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजी द करंट इज कंसीडर्ड एनालॉगस टू करंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक मतलब न्यूमेटिक रिलेटेड टू एयर वो किसके साथ होगा करंट जो है वोल्टेज यहाँ पर होना चाहिए प्रेशर के साथ ठीक है न्यूमेटिक के जो वोल्टेज क्या है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो किसके साथ होना चाहिए प्रेशर के साथ ठीक है वेलोसिटी वेलोसिटी इटसेल्फ जो है वो नहीं शो कर रही लेकिन यहाँ पर जो फ्लो रेट है एयर फ्लो रेट आप देखें ये करंट को डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर जो है क्यू बाय टी चार्ज जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा एयर हो जाएगा ठीक है एयर फ्लो रेट जो है वो किस चीज़ को डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है अपना करंट को ठीक है प्रेशर यहाँ पर करेगा हमारी क्या कहते हैं वोल्टेज को क्योंकि वोल्टेज में यहाँ प्रेशर है ये एनालॉजी भी मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर कर दूँ लेकिन ये इटसेल्फ मेमोरी बेस है याद करना पड़ेगा लिक्विड लेवल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी अभी लिक्विड लेवल को डील कर रहा है वोल्टेज इज कंसीडर एनालॉगस टू लिक्विड है यहाँ पर और लिक्विड में क्या होना चाहिए वोल्टेज है वोल्टेज क्योंकि प्रेशर को डिफाइन करता है तो वोल्टेज को अगर हम हेड में भी देखें तो ये वो क्या है हेड शुड बी हेड वोल्टेज यहाँ पर प्रेशर था न्यूमेटिक के अंदर यहाँ पर हेड जो फ्लो को डिफाइन कर रहा है कि लिक्विड ने ऊपर से नीचे फॉल करना है और यहाँ लिक्विड इटसेल्फ जो है लिक्विड फ्लो रेट वो किस चीज को डिफाइन करेगा तो बता सकता है लिक्विड जो है वो चार्ज को करेगा फ्लो रेट ये करेगा करंट को करंट तो ये तो या भाई हेड क्या होता है हेड ये होता है कि जो कितनी ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है उसको हेड बोलते हैं हेड आपने ये जो हमारा हाइड्रो सिस्टम है इसमें हेड किस चीज को कहते हैं यार उसका हेड इतना ऊंचा है जितना हेड ऊंचा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा आपको ये पता है ना आप अपनी वाटर टैंक जितना ऊंचा रखेंगे उतना आपकी चूंटी के अंदर प्रेशर ज्यादा आएगा तो वो चूंटी के अंदर जो वो वाटर फ्लो हो रहा है वो क्या हमें करंट के साथ रिजेंबल करते हैं ना और जो वाटर टैंक की हाइट है उसको हम करते हैं अपने प्रेशर के साथ ये हम जो करंट एनालॉजी हम बच्चों को समझा रहे होते हैं ऐसे डील करवाते हैं 47 क्या था विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी दिस इज फोर्स वोल्टेज एनालॉजी फोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज अभी हम देखो फोर्स करंट एनालॉजी भी पढ़ा है अच्छा यहाँ विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो किसके बराबर है वो यहाँ पर क्योंकि ये विस्कस वेलोसिटी या अपना फोर्स के अंदर विस्कस जो विस्कस फ्रिक्शन है इसकी क्या अहमियत है वही जो वोल्टेज की इसके अंदर है रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस उसको स्टॉप करता है ना उसकी यानी क्या कहते हैं मोशन तो इटसेल्फ मैं आपको बताऊं एनटीएस जो पूछेगा वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा वो या तो पूछेगा जो बहुत पूछा जा रहा है इंडक्टर कैपेसिटर और जो पूछा जाएगा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी ठीक है फोर्स करंट एनालॉजी ये आपसे पूछा जाएगा इंडक्टर और कैपेसिटर ये किसके बराबर है आप बताएं मैस के बराबर है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है जो भी एसिज बनेगा ये इन दोनों का मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा तो इसको आपने याद कर लेना कुछ इसके टेबल बने हुए लेकिन आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा डीप लेफ्ट में जाने की जरूरत नहीं है ये आगे आप दोबारा एमसीक्यू जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी वेलोसिटी इज एनालॉगस टू फोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज वेलोसिटी यहाँ पर किसके बराबर होगी वेलोसिटी है वो बराबर है करंट के ठीक है वो बराबर है यहाँ पर करंट की तो फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट जितनी एनालॉजी होंगी आपने याद कर लेनी है दिस इज आल्सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इन थर्मल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी चार्ज इज कंसीडर्ड एनालॉगस टू थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है हमारे पास तो चार्ज यहाँ किसके बराबर होगा अभी हमने देखा था ये चार्ज जो है यहाँ पर होगा टेम्परेचर के हम इसको लीव कर देंगे ठीक है हमें ये बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हमने इतना ज्यादा किया तो मेमोरी बेस काम हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ये एमसीक्यूज आया जो एनटीएस ने 7 से 8 दफा पूछा है ये एमसीक्यूज एनटीएस ने 7 से 8 दफा पूछा है वो क्या है मैस इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इज एनालॉगस टू एंड ऑप्शन इज सी और ये जो है इसका ऑप्शन
ऑप्शन है इंडक्टेंस। दोबारा मैं आपको बता दूं कि आपने याद करना है एल सी और दो चीजें आपने देखनी है, फोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज, फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। आप ये दो चीजें करने तो मोर देन इनफ है, और इवन ये दोनों भूल जाती है, वहां जाके हम देख रहे होते हैं कि यार ये इंडक्टेंस है या ये कैपेसिटेंस है, तो ये मैथ जो है वो इंडक्टेंस के साथ डील हो रहा होगा। अभी आप ऊपर जब देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज इन फोर्स करंट एनालॉजी, अभी हम एक एमसीक्यू करके आए हैं तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे फोर्स करंट एनालॉजी में जो हमारा है कैपेसिटेंस वो मैथ हो रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। फोर्स वोल्टेज में इंडक्टेंस जो है वो मैथ की हो रहा है, और फोर्स करंट के अंदर जो है हमारा कैपेसिटेंस वो मैथ के बराबर हो रहा है। रीजन क्या है इसकी, रीजन लंबी जा रही है तो वो यानी आपकी पूरी डेरिवेशन है वो हम करेंगे नहीं, शॉर्टकट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। मैं देखता हूँ मेरे पास पड़े थे तो वो याद कर लेंगे, ठीक है। तो 50 आज तक के लिए इतने हैं, काफ़ी हैं, और हम कोशिश करेंगे अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना वेडनेसडे को वो होगा 9:15 या 9:30 होगा, और हमने अगले वीक हमारी कंट्रोल मुकम्मल कवर होगी, ठीक है, और हमने अगले वीक की ईडीसी अपनी स्टार्ट कर लेनी है, और ये टोटल एमसीक्यूज हैं हमारे, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मजे की बात है कि सारे पेपर इधर से ही बनते हैं, तो 106 मोर देन इनफ है, तो ये एमसीक्यूज करने के। इसके बाद हांडा के एमसीक्यूज आप देख लीजिएगा, वहाँ पर स्पेशली वो एमसीक्यूज जिसके अंदर वो कई दफ़ा आया है कि एस फोर, ठीक है, एक पॉलीनोमियल ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है एस फोर प्लस ऐसे कुछ है प्लस 3s³ प्लस उसके बाद है 6s एंड देन उसके बाद है प्लस 12। पूछता है कि क्या ये सिस्टम स्टेबल है ये ट्रांसफर फंक्शन, तो ये वाले जो एमसीक्यूज हैं नेक्स्ट में देखेंगे कि एक ट्रांसफर फंक्शन से किस तरह निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैसे निकालने हैं, थोड़ा सा हम ये देखने के कि व्हाट इज स्टेट स्पेस, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेता है कि स्टेट स्पेस किसकी होती है, क्या स्टेट स्पेस के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम जो है LTI हो, लीनियर टाइम इनवेरिएंट हो, या सिस्टम सिर्फ लीनियर हो, या ये ज़रूरी है इसके लिए, या क्या ये ज़रूरी है कि बेशक लीनियर भी ना हो सिस्टम नॉन लीनियर हो फिर भी हो जाए, क्या सिर्फ इसके लिए ही ज़रूरी है कि ना ये भी ना हो लिंगर भी ना हो सिर्फ कॉन्टीन्यूस हो जाए, सिस्टम अगर कॉन्टीन्यूस है तो उसकी स्टेट स्पेस बन सकती है, तो ये वाली चीज़ें हमने वहाँ पर देखना है। अगर सिस्टम भी डिस्क्रीट हो जाए तो डिस्क्रीट में क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है हमारा नेक्स्ट काम होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए आप सारे अपना जो ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिए, क्योंकि मौके जो हैं बार बार नहीं आते, आपको बताया है कि जिंदगी में आप समझ में पहली दफ़ा आ रही है इसके कैंपस के थ्रू, तो जितनी कोशिश कर सके उतनी करें, क्योंकि 50 जो है 52+8 ऑलमोस्ट 60 तो पंजाब वालों की है, 92 सीट्स हैं जिसमें जो है KPK वगैरह सारे हैं, तो अच्छे बड़े लोग 90 इंजीनियर्स, अगर हमने से 90 इंजीनियर्स जो हैं यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएं, यहाँ पर उनको जॉब मिल जाए, और हमें क्या चाहिए। अब 90 में से आप देखें 90+5 और ये बनते हैं 450, तो 450 बनते हैं ना, हाँ जी 450 लोग लाए जाएंगे, तो अगर हम में से हम कोशिश करें और हम में से मोस्टली जो है 300 हम ही हों, 400 हम ही हों, तो ये कितनी खुशी की बात होगी, ठीक है। यहाँ में जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस 450 के अंदर हों, एटलीस्ट पहला कट ऑफ तो पास करें, इंटरव्यू दे के आए, वहाँ आपस में मुलाकात करें, तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आप लोग सब अपनी कोशिश कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो कोई बात हो तो काइंडली पूछ लें, किसी को कोई बात पूछनी है। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं ईडीसी पढ़ाऊंगा, टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है, आते भी बहुत हैं, तो कंट्रोल और ईडीसी हो जाएगा तो मेरी तरफ से आपके 12-13 एमसीक्यू कवर आ जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जो है रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो we can leave now. Thank you very much.